नमस्कार, हिंदी कक्षा 5 द्वितीय सत्र ने अंदर अगला वीडियो ने अंदर आपरे पाठ 11 सच्चा बालक नी चर्चा करी हती। आज एना अभ्यास अने स्वाध्याय नी चर्चा करवानी छे। अभ्यास प्रश्न 1, ऐसा क्यों कहा? नंबर 1, सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 अश्रपियां है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लड़के ने माँ ने उसे कहा था, बेटा सदैव सच बोलना। सरदार ने डाकू से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो लड़का था वह छोटा होते हुए भी अपनी माँ का कहा मानता था और वह सच्चाई की राह पर चलता था, इसीलिए वह ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए वह लड़का तैयार था। और इसीलिए वह कहता है डाकुओं से, सरदार, कि हमें भी आज से लूटमार करना नहीं चाहिए। प्रश्न 2, पढ़िए और लिखिए। लड़का, मेरे पास 40 अश्रपियां है। आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो यह जो वाक्य है वह आपको सुंदर अक्षर में लिखने हैं। प्रश्न 3, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? तो आपको लिखना है कि अगर आप भी अब्दुल कादिर की जगह होते तो हम भी सच बोलते और हमारे पास जो भी सामान या अश्रपियां होती तो हम भी निकाल कर उसे दे देते। प्रश्न 4, पढ़िए और समझिए। माँ बाप, बड़ा छोटा, सच झूठ, नेक बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज कल, पास दूर, तो यह सभी विरोधी शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, वो आपको समझना है और याद रखने हैं। प्रश्न 5, सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। तो आपको एक बार इस कहानी को अच्छी तरह लिखनी है और उसका वाचन करना है। इसके बाद प्रश्न 6, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक विज्ञापन दिया हुआ है, हिंदी दैनिक पत्र अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011, वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। और यहाँ पर लिखा हुआ है, वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी, वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के तिहर को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। इस युवक मंडल द्वारा 22 फुट ऊंची गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकार को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। तो यहाँ पर गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने की बात बताई हुई है। तो इनके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? समाचार की हेडलाइन पढ़िए। समाचार किसके बारे में है? समाचार के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द ढूंढिए। नगर तो शहर, बड़ी, ऊंची, गणपति, गणेश। तो इस तरह आपको ये प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। स्वाध्याय
प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काफिला कहाँ जा रहा था? काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। बालक की उम्र कितनी थी? बालक की उम्र 9 वर्ष की थी। लड़के के पास कितनी अशरफिया थी? लड़के के पास 40 अशरफिया थी। लड़के ने अशरफिया कहाँ रखी थी? लड़के ने अशरफिया सदरी में रखी थी। लड़के की माँ ने उसे क्या सिख दी थी? लड़के की माँ ने उसे सदा सच बोलने की सीख दी थी। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? डाकुओं ने लड़के से ईश्वर के नेक रास्ते पर चलने को सीखा। सच बोलने वाला बालक कौन था? सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। इसी तरह प्रश्न 2, सही जोड़ मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। कड़क कर बोलना, घुटने टेकना, नेक रास्ते पर चलना, आंखों का तारा, कान फूंकना, तो यह एक मुहावरे है और उनके अर्थ यहाँ सामने हैं, तो आपको सही उनको मिलाना है। कड़क कर बोलना तो कठोरता से बोलना, घुटने टेकना तो हार मानना, नेक रास्ते पर चलना सही रास्ते पर चलना, आंखों का तारा तो बहुत प्यारा, कान फूंकना कान में कहना, तो इस तरह आपको ये लिखना है। तो मित्रों अहीं आपणो पाठ 11 एनो अभ्यास स्वाध्याय पूर्ण थाय छे। तमारे प्रश्नों ने सरस रीते तैयारी करवानी जेथी तमे परीक्षा नी अंदर एना जवाबो आपी शको। अस्तु।